खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और अब इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें, यूपी बोर्ड के नतीजे आ चुके हैं। 10वीं में 80% और 12वीं में 70% छात्र पास हुए हैं। 10वीं और 12वीं दोनों में पास होने वालों में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है, तो यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं और दोनों ही कक्षाओं में लड़कियां आगे निकल गई हैं। 10वीं में 80% और 12वीं में 70% छात्र पास हुए हैं। 10वीं और 12वीं दोनों ही क्लासेस में पास होने वालों में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है। 12वीं में करीब 70% छात्र पास हुए हैं और 10वीं क्लास की बात करें तो 80% छात्र पास हुए हैं और यूपी बोर्ड में लड़कियों ने लड़कों से बाजी मार ली है। तो ऑडियो भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता दें कि 10वीं में 80% और 12वीं में 70% छात्र पास हुए हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड के नतीजे आ गए हैं और 10वीं और 12वीं दोनों में ही पास होने वालों में लड़कियों की संख्या ज्यादा है। यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं और एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मार ली है। 10वीं में 80% छात्र पास हुए हैं और 12वीं की बात करें तो 70% स्टूडेंट्स को पास होने में कामयाबी मिली है। 10वीं और 12वीं में छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारी है और कानपुर के गौतम रघुवंशी ने 10वीं में टॉप किया है। उन्हें 600 में से 583 अंक मिले हैं, तो ये बड़ी खबर। कानपुर के गौतम रघुवंशी ने 10वीं में टॉप किया है यूपी बोर्ड में। 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं और कानपुर के गौतम रघुवंशी 10वीं के टॉपर के तौर पर सामने आए हैं। हालांकि बाजी लड़कियों ने मारी है। गौतम रघुवंशी जो कि 10वीं के टॉपर हैं, उन्हें 600 में से 583 अंक मिले हैं, यह बड़ी खबर आपको बता दें। और 12वीं की बात करें तो बागपत के हरेंद्र तोमर टॉपर हैं, टॉपर्स के नाम आपको बता रहे हैं। हरेंद्र तोमर ने 12वीं में पास किया है, बागपत के रहने वाले हैं और कानपुर के गौतम रघुवंशी ने 10वीं में टॉप किया है 600 में से 583 अंकों के साथ। ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो 10वीं में 80% छात्र पास हुए हैं और 12वीं कक्षा में 70% छात्रों को कामयाबी मिली है पास होने में। लेकिन एक बार फिर लड़कियां बाजी मार चुकी हैं, एक बार फिर आगे निकल गई हैं दोनों ही कक्षाओं में। कानपुर के गौतम रघुवंशी ने टॉप किया है और 12वीं की बात करें तो बागपत के हरेंद्र तोमर ने टॉप किया है। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं। गौतम रघुवंशी को 600 में से 583 अंक मिले, जिसके साथ ही वो 10वीं के टॉपर बन गए। बागपत के हरेंद्र तोमर 12वीं के टॉपर हैं इस बार के। 12वीं में हरेंद्र तोमर को 98% अंक मिले हैं, तो बड़ी खबर इस वक्त की। 12वीं में हरेंद्र तोमर ने टॉप किया है यूपी बोर्ड में 98% मार्क्स के साथ। वहीं कानपुर के गौतम रघुवंशी ने 10वीं में टॉप किया है, 600 में से 583 अंक उनको मिले हैं। ओवरऑल रिजल्ट बताएं आपको, 10वीं क्लास में 80% छात्र पास हुए हैं, वहीं 12वीं क्लास में 70% स्टूडेंट्स को कामयाबी मिली है। लेकिन बागपत के हरेंद्र तोमर 12वीं के टॉपर और कानपुर के गौतम रघुवंशी 10वीं के टॉपर हैं।